तो ये देखो गाइस, अभी आपको क्या करना है, इसके एक बार HSL में से मैं जाके जो भी इसकी ड्रेस का कलर है वो एडिट करके जीरो कर देता हूँ, ठीक है। आप बस इसके अगर कोई ड्रेस का कलर है तो वही जीरो करना, अगर आपने एडिट किया है तो, वरना बैकग्राउंड का अगर कोई वो कलर है तो उसे एडिट मत करना, ठीक है। और बैकग्राउंड और ड्रेस का सेम ही है तो फिर वो ड्रेस का भी वैसा ही रहने देना। और अब जब ये रेडी है तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और जो ग्लो वाली क्लिप है और नॉर्मल बिना ग्लो वाली क्लिप है उन सबको मैं एक प्रोजेक्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसका जो क्लिप का साउंड है उसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे साइड में एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन होगा, उसे मैं कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट होने के बाद गाइस आपको इस पर लगाना है बीट, जिस ऑडियो पे बीट लगाना है तो अच्छे से ऑडियो सुन के बीट लगा देना, ठीक है। खैर मुझे तो यहाँ दिख रहे हैं ये उठे हुए जो हिस्से हैं यही बीट है गाइस, मैंने अच्छे से सुन भी लिया है, तो मुझे बस अब बिना देखे आँख बंद करके भी मैं बीट लगा सकता हूँ, सॉरी मतलब कान बंद करके। और अभी देखो यहाँ मैं फटाफट से बीट लगाने वाला काम कर चुका हूँ गाइज, जो ये उठे हुए हिस्से हैं यही बीट लगाना है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो जहाँ पे बीट होता है वहाँ साउंड उठा हुआ होता है तो आसानी से पता चल जाता है। और इसके बाद गाइज आपको करना है इसके जो क्लिप है इनको ओवरले में ले लेना है, दोनों क्लिप को जो पीछे है ग्लो वाली इनको मैं ओवरले में ला के आगे ले आता हूँ। ओवरले में आगे लाने के बाद गाइज एक और क्लिप बची है इसको भी मैं फटाफट से ले आता हूँ, और ये क्लिप आ चुकी है, और इसके बाद मैं ये वाली क्लिप भी ले आता हूँ फटाफट से। तो इनको ओवरले में लाने के बाद गाइज आगे का काम करना है अपने को। तो ये वीडियो तो बहुत ही ईजी है गाइज, इसमें कुछ है भी नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक वीडियो है ये, तो एक बेसिक और बिगिनर लोगों के हिसाब से ये वीडियो मान सकते हो, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, हर एक बीट पे जो ये क्लिप्स है इनको स्प्लिट लगाना है, मेन क्लिप को नहीं बस ओवरले वाली क्लिप्स को, दोनों को स्प्लिट कर देना, ठीक है। तो ये आप स्प्लिट का काम कर देना गाइज, हर एक बीट पे जो है आपको दोनों क्लिप्स को स्प्लिट कर देना है। साथ में गाइज एक काम करना कि जो एक एक क्लिप है डिलीट करते रहना, ठीक है। पहली क्लिप डिलीट करना, फिर उसके बाद दूसरी रखना, फिर उसके बाद दोनों डिलीट करना, फिर वापस पहली रखना, फिर दूसरी डिलीट करना, फिर दोनों डिलीट करना, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके बाद एक वाइट ओवरले ले लेना गाइज ऐसा, और उसे पूरा जूम कर देना, और एक एक बीट के जो है इस तरीके से आपको सेट करना है, बीट के एकदम बीच में उसका एक क्लिप का हिस्सा रहना चाहिए और उसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए। इसके बाद ओपेसिटी में जाना, उसको एंड में जीरो कर देना, बीच में 100 कर देना, ठीक है, और शुरुआत में बिल्कुल जीरो कर देना, बस ये काम आपको कर लेना है। इसके बाद ये काम कर लेने के बाद गाइज आप इसके स्प्लाइस में चले जाओ, और स्प्लाइस में जाके ओवरले की सेटिंग कर लो। स्प्लाइस में जाओ और ये ओवरले वाला सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप देख लो कुछ ऐसा होगा, बस आपको जो है ये वाला डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट करके हर एक क्लिप के बीट के आगे इस तरीके से लगा लेना है, एकदम जो बीट जो मतलब बीच का की एनिमेशन है वो हर एक बीट के बीच में रहे बस, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है, तो हर एक बीट के इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर लगा लेता हूँ, इसके बाद ये करते ना आपका वीडियो बिल्कुल से रेडी हो जाएगा। बहुत ही ईजी है ये वीडियो, अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, क्योंकि मैं ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाता रहता हूँ जिसमें छोटी मोटी शॉर्ट्स होती है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो है वीडियो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ये आप इसका थोड़ा सा प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने आपको अगर ये ग्लो बनाना है गाइज तो डिस्क्रिप्शन में ग्लो वाले वीडियो का भी ट्यूटोरियल की लिंक है, देख लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।